लेक्चर में। इस दौरान अनेक नौजवानों ने, लगभग आप सब लोगों को मिलाकर 2445 आप लोग जवान तैयार हुए हैं और ये खुशी की बात है। इन 2445 में 813 जो महिला टीम तैयार हुई है, ये निश्चित रूप से हमारे जोखिम भरा, चुनौती भरा क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए इतनी बड़ी संख्या महिलाओं की होने से, महिला सशक्तिकरण की जो बातें हम करते हैं, उस कड़ी में ये एक मजबूत पहल है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है पुरुष के समान महिला भी अब कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ पुलिस फोर्स में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी महिला भागीदारी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से ये राज्य के लिए और देश के लिए एक बहुत ही सुखद संदेश है। इसके अलावा इन ट्रेनिंग कैंपों में जाने के बाद कई जगह मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखने के लिए मिला, बहुत खूबसूरत कैंपस भी आप लोगों का देखने को मिला। कई जगह बहुत बुरी हालत में भी देखने को मिला और जानकारी भी मिली है। और मैं प्रयास करता हूं कि अगर राज्य को आगे बेहतर दिशा देना है तो पहले बेहतर व्यवस्था हमें खड़ी करनी पड़ेगी, तभी हम बेहतर आउटपुट की परिकल्पना कर सकते हैं। आज आप सब लोगों ने जिस कठिनाइयों के साथ यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त किया है, कई कैंपों में कई जवानों ने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, कई आधारभूत संरचनाओं की अत्यंत कमी मुझे कई जगह से खबर आई, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ पुनः कि आपके इन कैंपों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति सरकार इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेती है और आने वाले 2 वर्षों में इस राज्य में जितने भी हमारे पुलिस लाइन है, जितने हमारे जैप मुख्यालय हैं और उन सब का व्यापक जीर्णोद्धार हम अगले 2 वर्षों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे इन सभी चीजों पर हम लोग उस कड़ी को जोड़ते जाएंगे और निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि राज्य के अंदर जो विधि व्यवस्था है, जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो महिलाओं के ऊपर होते उत्पीड़न है, और राज्य के अंदर कैसे शांत और सौहार्द वातावरण बना रहे,
इन सब को स्थापित करने में हमारे आज के प्रशिक्षित ये जवान बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से काम करेंगे।